अफ्सा सिद्दीकी 117 पूछते हैं कि आपने सबा इब्राहिम कैमी की कॉपी क्यों करते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमने इंस्टाग्राम पे आपका Q&A किया था, लोगों ने भर भर के सवाल पूछे हैं। तो हमने बोला था कि जिसका हम वीडियो अपने यूट्यूब पे डालेंगे, इंस्टा पे नहीं डालेंगे, क्योंकि वहां पे रिप्लाई हर किसी का ना आप नहीं दे सकते हो। तो बस स्टार्ट करते हैं हमारा इंस्टा वाला Q&A। पहला सवाल आया है इट्स अब्बास खान की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि अकबर भाई आपने लखनऊ क्यों छोड़ा, कोई खास वजह? तो अब्बास मेरे भाई, लखनऊ मैंने इसलिए छोड़ा है, पिछले मैं ऑलमोस्ट 10 से 12 साल मैं लखनऊ में रहा हूँ। मैंने वहीं आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, देन मैंने वहाँ पे जॉब भी स्टार्ट करी, फिर वहीं पे जॉब करी। तो जॉब के सिलसिले में ही मैं दिल्ली आया, दिल्ली में मेरी जॉब लगी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल है आलिया पिका आलिया अयाज अहमद, पूछना तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, खूब तरक्की करो। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया पी, एंड बस आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बाकी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, और मेरा हमेशा से ये कहना रहता है कि आप अपनी 100% मेहनत करो, आप अपना 100% दो, बाकी ऊपर वाला बैठा है ना उसका फल देने के लिए। कभी किसी को जल्दी मिल जाता है, कभी किसी को देर मिलता है, लेकिन आपको कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। फिर आता है शान खान का, भाई आप कितने दिन हो गए दिल्ली में, कब आओगे मौदाहा? तो मौदाहा मैं भी आना चाहता हूँ, मुझे दिल्ली में 2 महीना होने जा रहा है, और 2 महीने से मैं मौदाहा भी नहीं गया हूँ, और मैं लास्ट आपका अगस्त में 26 अगस्त में मैं मौदाहा में था, उसके बाद में फिर तब से मैं आपका दिल्ली में हूँ। तो इंशाल्लाह नवंबर में मुझे मौदाहा आना है, लेकिन डेट अभी कंफर्म नहीं है कि किस डेट में आना है। जब भी आऊँगा आपको प्रॉपर अपडेट करूँगा, और बहुत धमाकेदार ब्लॉग भी आएंगे मौदाहा के, क्योंकि मौदाहा की पब्लिक बहुत वेट कर रही है मौदाहा के ब्लॉग्स के लिए। द रेसिपी रूम पूछते हैं, कैन यू प्लीज 1 स्टोरी फॉर माई कुकिंग पेज एंड यूट्यूब चैनल प्लीज, आई एम फ्रॉम मौदाहा। इंशाल्लाह जरूर करूंगा। जेबा रशीद पूछती हैं मंत्रबाज के बारे में पूरी स्टोरी बताओ। तो मंत्रबाज की बहुत मतलब कि मेरे लिए तो इतनी फनी और इतनी अच्छी स्टोरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो डंडा खाया था, एंड पहले इतना हपक के डंडा उसने मारा था, पहले आपका नीला पड़ा, फिर लाल पड़ा, फिर पीला पड़ा, फिर नॉर्मल वो कलर में आया, जिसका मैंने एक प्रॉपर व्लॉग बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाके जरूर देखें। नसरीन खान 4086 पूछती हैं तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? परदादा का नाम तो पूछ के मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, लेकिन अपने दादा का नाम याद है, मरहूम जनाब बशीर अहमद साहब, जो मादा मौलवी से थे, हम लोग बंधा हुआ है, हमारे दादा को महतम बोलते थे सब लोग। और ये सवाल बड़ा मतलब के इम्पोर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए, कि जकेरा पूछती हैं एनी गर्लफ्रेंड क्रश और लाइकिंग समवन। देखिए, क्रश तो हर इंसान का कोई ना कोई ज़रूर होता है, हमारा भी था एक वक्त पे, लेकिन अभी करंटली आई एम सिंगल, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहता है कि मैं किसी से बहुत देर तक मैं बात कर पाऊँ फ़ोन पे, और लोगों को आजकल क्या ना कि वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, और शायद इसलिए मैं सिंगल भी हूँ अभी करंटली। तो बस ये है कि अगर कोई सुंदर व सुशील कन्या है जो हमसे बातचीत करना चाहती है, तो हमारे दिल के दरवाजे व हमारे DM आपके खुले हुए हैं। कम आसिफ खान पूछते हैं हमें आपकी फैमिली और आपके बारे में जानना है, क्या आप बताएंगे प्लीज? तो पहले तो ये है कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ददियाल बहुत बड़ा है, हम लोग हैं मंदगुआ मांदा मोहल्ले से हैं, एंड मेरा ननिहाल भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, और मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, मेरी वालिदा हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी हैं, 2 बहनें हैं, 2 बहनोई हैं, मेरी 1 बहन के 3 बच्चे हैं, दूसरी बहन के भी 3 बच्चे हैं, तो बाकी मैं हूँ, तो मैं भी दिल्ली में हूँ, जॉब कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम फैमिली ब्लॉग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, आईफोन का हम जुगाड़ कर रहे हैं कि वो हो जाए, और फिर इंशाल्लाह आपको डेली ब्लॉग भी मिलेगी, इनफैक्ट मेरी फिर थोड़ा सा लाइफ भी आपको देखने को मिलेगी। गुलफाम खान पूछते हैं योर यूट्यूब इनकम। तो पहली चीज तो ये है कि इनकम के बारे में पूछा भी नहीं जाता और बताया भी नहीं जाता, नजर लग जाती है, वैसे नजर लगने वाली मेरी इनकम नहीं है, और क्योंकि अभी जो ये यूट्यूब की इनकम होती है ना, वो एक्चुअली में व्यूज बेस और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है,
तो अभी मेरा ये सीन है कि अभी मैं बस मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और अभी जितना भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अकबर ने यूट्यूब से अपना घर बनवा लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो सब अम्मी की मेहनत, भाई की मेहनत, हमारी मेहनत, सबकी मेहनत से घर बना है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि अभी मतलब यूट्यूब से अब ना के बड़ा ऐसे पैसों को लेकर बहुत बड़ा टारगेट नहीं है यूट्यूब में, इसलिए मैं आपका जॉब कर रहा हूँ। ये तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, तो मैं बनाता हूँ कि लोगों के बीच में बना रहा हूँ। इस्लामिक थॉट्स पूछते हैं कि भाई आपके मौदा में कितने बीघा खेत है। तो मौदा वालों को तो पता ही है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 बीघा खेत है। इस्लामिक थॉट एक और सवाल है, भिलाई कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह भिलाई जल्दी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है भिलाई आने का। वैनम यानी कि सौरभ, वैनम ऑफिशियल सौरभ भाई को पूछा, भाई आप शादी कब कर रहे हो? तो भाई की शादी हमारी इसी साल हुई है, और इंशाल्लाह जो अगला नंबर होगा वो हमारा होगा। तो बस जब अम्मी को उनके लायक एक अच्छी लड़की मिल जाएगी तब हम भी निपटा दिए जाएंगे। एक सवाल है हदिया बानो का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सुन्नी हैं, आप एक मुसलमान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। ये हम लोगों ने फिरकों में बांट दिया है, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी और न जाने कितने फिरके हैं जो मुझे शायद पता भी नहीं है। तो आप सब एक मिल के रहिए और अपने अंदर की अभी भावना पैदा ही मत होने दीजिए कि भाई सुन्नी शिया। तो आप सबसे प्यार से बोलिए, अपना अखलाक अच्छा करिए और ऊपर वाले के हुक्म पर चलिए, यही जाना है। तो इन सब के बीच में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। मोहम्मद अनस पूछते हैं, अकबर भाई आपका असली नाम क्या है? बता दूं, मेरा एक ही नाम है, अकबर अहमद। ना ही मेरा कोई निकनेम है, ना ही मेरा कोई डॉक्यूमेंट वाला नाम है। तो मेरा एक ही नाम चलता है, अकबर अहमद। मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के चार चार नाम होते हैं, अकबर अहमद एक ही नाम से जाना जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आश मोहम्मद पूछते हैं, अकबर भाई नंबर भेज दो, कहाँ कहाँ रहते हो? तो मुझे आश मोहम्मद DM करें, मैं जरूर आपको नंबर शेयर करूंगा। तो अबूजर मलिक साहब पूछते हैं कि आपके हेयर में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कहा ये बढ़ती क्यों नहीं है? मसला बढ़ने का नहीं है, देखिए मेरे हेयर की जो सिचुएशन है वो ये है, मसला ये है कि मेरे फंगस वाला डेंड्रफ है, यानी कि डेंड्रफ मेरे जो है ना बैठ जाता है। तो मैं ट्रीटमेंट जब तक करता हूँ तब तक सही रहता है, फिर हो जाता है, तो मैं काफी परेशान भी हो चुका हूँ। हेयर में अपने छोटे इसलिए रखता हूँ क्योंकि जैसे थोड़े से बड़े होते हैं ना तो वो आपका फॉल होने गिरने लगते हैं, तो मुझे टेंशन रहती, माइंड में वो चलता रहता है। तो मैंने कहा यार टेंशन ना रहे इसलिए छोटे हेयर रखो। अली खान लंबरदार पूछते हैं कि मौदा फूड के बारे में बनाओ, खाना खत्म हो जाता है। खाना खत्म हो जाता है बेसिकली आई थिंक ये शादी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने कितने का इंतजाम किया, कितने लोग आ जाते हैं। क्योंकि मौदा हम ये ना कि सब कोई एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब के भाई चल रहे यार, चल यार खाना खा के आते हैं, चल रहे चल यार, तो है दावत एक ही, पता चलो चार लोग पूरा मोहल्ला चला गया। तो ऐसे करते करते भाई अब कई बार है कि आपने उतना इंतजाम नहीं किया होता है, तो वो है, तो वो भाई मौदा की जनता को सोचना चाहिए, बड़े बड़े डेग भंडे कर देते हैं मौदा वाले। सबा परवीन अभी पूछते हैं शादी कब कर रहे हो? तो सब अभी मैंने बताया पीछे कि भाई अब आगे हमारा ही नंबर है। अफसा सिद्दीकी 117 पूछते हैं कि आपने सबा इब्राहिम की अम्मी की कॉपी क्यों करते हैं? तो उनकी अम्मी की कॉपी नहीं है, अब वो एक कैरेक्टर अडॉप्ट किया हुआ है जो लोग उससे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी एक डिस्क्लेमर वीडियो डाला हुआ है, भाई ये जितने भी कैरेक्टर हैं ये सब कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किए हुए हैं, एंड किसी से भी आप रिलेट ना करेगी भाई ये उनका है या उनका है। अब जो पॉपुलर कैरेक्टर होते हैं लोग उनको अडॉप्ट करते हैं, अपनी वीडियोस में लाते हैं। तो ये मेरा एक जो मेरे थॉट्स हैं वो भी इमेजिनरी हैं, जो भी मैं करता हूँ, जया और रहीसा पुपली, ये सारे इमेजिनरी हैं, लोग रिलेट कर जाते हैं। तो आगे मुझसे कोई सा द्वेष नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, करता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा, मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं है। MBA मेहंदी साहब पूछते हैं कि व्लॉग एडिट कैसे करते हैं? मैं अपने जितने भी कंटेंट हैं मैं सारे कंटेंट अपने फ़ोन पे एडिट करता हूं और एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूं काइन मास्टर, और कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपका इनशॉट भी यूज़ करता हूं, लेकिन मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूं वो काइन मास्टर यूज़ करता हूं। इमरान खान 548 पूछने कि ये पूछना है तुम्हें, वो रूप छोड़ के नया रूप क्यों अपना लिया? इब्राहिम फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, वो एक कंटेंट है। अगर आप उसे नॉर्मल कंटेंट की तरह लेंगे तो भाई बहुत अच्छा है, अगर आप उसे निगेटिविटी की तरह लेंगे तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो जस्ट कंटेंट है और किसी को ना ही वो टारगेटेड है ना ही कुछ, बस वो एक कैरेक्टर आपके अडॉप्ट किए होते हैं, चाहे वो रहीसा का हो या पुपली का हो या आपका जो भी आप देख रहे हो वो हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं पीछे पड़ा था, ना हूँ और ना रहूँगा, मेरा कोई ऐसा किसी से वहाँ मेरी दुश्मनी थोड़ी
थोड़ी चल रही है कि मैं पीछे लेके पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर विवेक साहब पूछते हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं। तो मैं यूज करता हूँ आपका कैनन M50 Mark II, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। और मैंने उसका किट लेंस ही जो मुझे मिला था 15-45 वही यूज करता हूँ, बाकी मैंने कभी लेंस वेंस नहीं खरीदा है। वारिस मेरा छोटा भाई है, पूछते हैं कि आप कब शादी करोगे। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह। एंड सुल्तान सलाउद्दीन साहब पूछते हैं कि भैंसिया मिल गए या नहीं। तो भैंस तो अभी नहीं मिली है, बस ये है कि सब जगह नंबर, जितने भी गांव के प्रधान ने नंबर छोड़ दिया है। ये था हमारा Q&A जो हमने अपने इंस्टाग्राम पे किया हुआ था। एंड बहुत सारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सारे आपका सेम क्वेश्चन थे, तो मैंने किसी एक को लेके आपके सामने उसको डिस्क्राइब कर दिया है। बाकी अगर आपको और भी Q&A चाहिए तो यूट्यूब से रिलेटेड या मेरी लाइफ और फैमिली से रिलेटेड, उसका हम एक सेपरेट कभी Q&A करेंगे तो आपके सामने जरूर शेयर करेंगे। इतना प्यार कर रहे हैं, इतना देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि भाई हमें कॉन्टेंट और कैसे कैसे बनाना है। अगर आपके जहन में कोई स्टोरी है तो ये नीचे मेरी आईडी है AkbarAhmed83, तो वहां पे अपनी स्टोरी आप शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्टोरी को अपने कॉन्टेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। गाइज अगर आप देख रहे ना तो कॉमेंट जरूर किया करें। बाकी इंशाल्लाह आपको मेरे डेली ब्लॉग भी बहुत जल्द मिलेंगे, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि बहुत जब आप एक शहर से दूसरे शहर आते हो, शिफ्ट होते हो, तो बहुत एक्सपेंस होता है। तो अभी थोड़ी सी जो मेरी बैंक बैलेंस है वो काफी ऐसे पूरा हिला हुआ है, तो बट कोई नहीं, ऊपर वाले का शुक्र है एंड ऊपर वाले पे भरोसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी तो हम आपको और अच्छी क्वालिटी के साथ में और अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ में आपको वीडियोस दुआ में जरूर याद रखें, और माँ बाप को हमेशा खुश रखें और उनकी इज्जत करें। अल्लाह हाफिज़।